पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर गांव में 3 महीने बाद मृतका महिला का जिलाधिकारी के आदेश पर कब्रिस्तान से शव निकाला गया। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के बरखेड़ा गांव निवासी महिला के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी गांव भगतपुर निवासी युवक के साथ की थी। शादी के बाद से ही दोनों में अक्सर विवाद रहता था। अब से 3 महीना पहले लड़की के ससुराल पक्ष ने फोन कर बताया कि आपकी लड़की की मौत हो चुकी है, जिस पर सभी परिजन भगतपुर गांव पहुंचे। वहां देखा तो लड़की को परिजनों ने पहुंचने से पहले ही दफना दिया गया। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों पर शक हुआ और जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन मुरादाबाद डीएम के आदेश पर महिला के शव को पुलिस प्रशासन की टीम की मदद से कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? बाबर क्यों ना जी, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। अच्छा सर, यहाँ एक महिला का शव निकाला गया है, क्या लगती थी वो आपकी? मेरी बेटी है। बेटी थी। पूरा क्या मामला है? मामला क्या ठीक ठाक है, दहेज की मांग, गरीब आदमी। जैसे कि सर 3 महीने हो गए हैं उनकी मौत को, उसके बाद में आपने यहाँ ये कार्रवाई की है, तो क्या रहा था? मैंने, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करी। मैं तमाम भागा दूर, लो लखनऊ लो भागाऊँ, मुरादाबाद भी, मुकदमे भी, सब बहुत जगह बरेली भी, सब में डाली है एप्लीकेशन, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी सुनवाई आज हुई है लखनऊ से, तो लगभग 2.5 महीने ही हो गए। 3 महीने तो अब हुए, 2.5 महीने से, अब 3 महीने में मेरी आज सुनवाई होगी। ये थाना क्षेत्र भगतपुर में एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उस समय परिजनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया था। बाद में उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया कि उनकी पुत्री के दहेज के कारण हत्या की गई है। इस संबंध में थाना भगतपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका था। चूँकि बॉडी का पंचायतनामा और PM होना था, तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से आज बॉडी को कब्र से निकाल करके पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।